जिंदगी का हर पल आखिरी समझकर जीना चाहिए, तब जिंदगी का असली मजा आता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी। दोस्तों, हर दौर में कुछ कलाकार और एक्टर ऐसे होते हैं जिनके काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं और ये भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। ऐसा ही दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है नाना पाटेकर, जिनकी एक्टिंग, आवाज़ और स्टाइल ने एक ज़माने में लाखों करोड़ों सिनेमा प्रेमियों के दिल में एक अलग जगह बनाई, जो आज भी नाना पाटेकर को पसंद करने वालों की बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाखों दिलों की पसंद नाना को क्या पसंद है? तो आओ आपको बताते हैं, मज़ा आएगा। दोस्तों, एक बड़े मीडिया हाउस के एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर से जब पूछा गया कि वो कैसे फिल्मों को साइन करते हैं या कैसे वो किसी फिल्म के सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, तब दोस्तों नाना पाटेकर ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताते हुए कहा कि वो पहले डायरेक्टर से पूछते हैं कि डायरेक्टर ने रोल के लिए उनसे कॉन्टैक्ट क्यों किया है। फिर दोस्तों, अगर डायरेक्टर के जवाब से नाना पाटेकर साहब संतुष्ट होते हैं तभी वो किसी फिल्म को साइन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नाना पाटेकर ने बताया कि आज भी नाना पाटेकर सिर्फ 8 घंटे तक ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों समय पर सोना और समय पर उठना नाना पाटेकर साहब की पहली पसंद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर नाना पाटेकर को एक बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है तभी नाना पाटेकर फिल्में साइन करते हैं, अगर डायरेक्टर कोई स्क्रिप्ट नहीं देता है तो दोस्तों नाना पाटेकर फिल्म करने से मना कर देते हैं। दोस्तों, यहां तक कि नाना पाटेकर ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पसंद नहीं करते हैं जो लोग फिल्म के सेट पर स्क्रिप्ट बदल देते हैं, क्योंकि दोस्तों नाना पाटेकर का मानना है कि जो स्क्रिप्ट में है वही पर्दे पर आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, नाना पाटेकर का मानना है कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा पैसा मिले तो वो उनकी पहली पसंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, नाना पाटेकर ने यह भी बताया कि उन्हें बेवजह की हिंसा और किसी खास तबके को निशाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आज जब वो इस तरह की फिल्में देखते हैं तब उन्हें इन फिल्मों की सफलता चौंकाती है। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा जब नाना पाटेकर साहब से फिल्म इंडस्ट्री में उनके अच्छे दोस्त के बारे में पूछा गया तो नाना पाटेकर साहब ने ऋषि कपूर को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए उन्हें याद किया और बताया कि ऋषि कपूर एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक ज़माना था जब ऋषि कपूर नाना पाटेकर के घर आते जाते रहते थे। और दोस्तों, यहाँ नाना पाटेकर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए एक किस्सा भी सुनाया। दोस्तों, दरअसल ये किस्सा कुछ ऐसा था कि एक बार ऋषि कपूर साहब नाना पाटेकर के घर शराब लेकर पहुंचे थे और नाना पाटेकर साहब ने खाने में कीमा और रोटी बनाई थी, लेकिन दोस्तों नाना पाटेकर ऋषि कपूर से तब नाराज हो गए जब ऋषि कपूर के साथ ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह नाना पाटेकर के घर नहीं पहुंची। तब दोस्तों नाना पाटेकर साहब को गुस्सा आ गया और नाना पाटेकर साहब ने ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह को तुरंत फोन लगा दिया और नाना पाटेकर साहब ने गुस्से में नीतू कपूर से कहा कि अगर नीतू सिंह नाना पाटेकर के घर नहीं आएंगी तो वो भी कभी ऋषि कपूर के घर नहीं जाएंगे। फिर दोस्तों आखिरकार नीतू सिंह को भी नाना पाटेकर के घर आना ही पड़ा और दोस्तों फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया और दोस्तों उस दिन खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि ऋषि कपूर साहब ने नाना पाटेकर की तारीफ करते हुए मजाकिया लहजे में नाना पाटेकर साहब से कहा था कि तू एक्टर तो ठीक ठाक है लेकिन शेफ कमाल का है, मैं तुझे रेस्टोरेंट खोलकर दे देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह नाना पाटेकर साहब ऋषि कपूर के साथ बिताए हुए अपने अच्छे वक्त के बारे में बताते हैं और ऋषि कपूर को एक अद्भुत व्यक्तित्व का धनी मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नाना पाटेकर साहब फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती को भी अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। दोस्तों, इन सब किस्सों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से भी ज़्यादा का समय गुजारने वाले नाना पाटेकर साहब से जब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर किस तरह के बदलाव को देख रहे हैं, तब दोस्तों नाना पाटेकर साहब ने थोड़ा सा तल्ख लहजे में बताते हुए कहा कि इंडस्ट्री तो छोड़िए, वो तो मुंबई में ही काफ़ी कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नाना पाटेकर साहब का मानना है कि आज वाली मुंबई उनकी मुंबई है ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों, नाना पाटेकर साहब 40 से 45 साल पहले की मुंबई के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पहले मुंबई में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, पहले अगर एक आदमी के घर में कुछ पकता था तो वो चीज़ दूसरे आदमी के घर भेजी जाती थी, लेकिन अब सब लोग जाति और धर्म में अटके पड़े हैं।
तो दोस्तों ये थे नाना पाटेकर साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। इसके अलावा दोस्तों आपको नाना पाटेकर क्यों पसंद है और नाना पाटेकर साहब की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और भी किस्से, कहानी और बॉलीवुड अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मेरा नाम है सुहास, आपसे होगी फिर मुलाकात। धन्यवाद।